दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है वो हिंदी की सीरीज है। ये हिंदी की सीरीज जो JMRC एग्जाम बेस्ड की और रीट टेट एग्जाम बेस्ड की ये सेकंड सीरीज है और इसमें हिंदी के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है जो JMRC, रीट, पटवारी, LDC, ग्राम सेवक और अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हमारे पास एक गद्यांश है और उस गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस प्रकार से जो JMRC का ओल्ड पेपर था उसके पैटर्न के आधार पे अब हम बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें, लाइक शेयर करते रहें। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं JMRC की पोस्ट और हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे किस पोस्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर, जिसके हिंदी में 10 क्वेश्चन होते हैं, उसी बेस पे हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। जूनियर इंजीनियर जिसमें ट्रेड जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो इसी पैटर्न के 5 क्वेश्चन होंगे। और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये 10 क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे। अब हम बात करेंगे मेंटेनर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रेड है मेंटेनर, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फिटर है, जिनमें से हिंदी में 5 क्वेश्चन होंगे और यही पैटर्न रहेगा। आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, हो सकता है पद्यांश ना दे तो भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिए गए पद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इनके आंसर करेंगे। तो आइए चलते, पहले दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के उत्तर देने हैं। अब अलग अलग ट्रेड में कुछ ट्रेड के लिए 5 क्वेश्चन है तो कुछ के लिए 10 है, लेकिन हमने जो हाइएस्ट जो क्वेश्चन है 10 लिए हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी क्षमता साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। यहाँ पे हम नारी के महत्व की बात कर रहे हैं, नारी की भूमिका की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान समाज में और हमारे भारतवर्ष में जो नारी की महत्वता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तो नारी में आत्मविश्वास की भावना भी प्रफुल्लित हुई है। और अब हमारे पास आगे जो आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही ले लीजिए, आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी भारत में तो उस समय अनेक नारियों ने अपना योगदान दिया है। तो उनमें से जो प्रमुख नारी है उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि नारियों ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है आज़ादी के इस पर्व में। बहुत सारे नाम आपके जेहन में आते जाएंगे कि बहुत सारी जो विभूतियां हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे करके आपको ऐसे बहुत सारी नारियों का नाम याद आ जाएगा। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए निकल पड़ी, चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बों की हो या किसी शहर की हो अथवा महानगर की हो। सभी महिलाएं, चाहे वो छोटे से गांव की है, चाहे वो किसी कस्बे की, किसी शहर की, किसी महानगर की, और चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी महिला ने और अपने इस महत्वपूर्ण या अमीर वर्ग की नारियां समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके
आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी। नारियां आत्मविश्वास से भर गई। और अब हम कर लेते हैं इसी में बात। तो आगे दिया गया कि निर्गुण भाव से देशभक्ति ही सर्वोपरि उद्देश्य है। हिमालय की तरह अडिंग सुरक्षा के लिए मातृभूमि की सजग प्रहरी की तरह हमेशा तैयार रहती है। आधुनिक नारी आज़ादी में क्या योगदान रहा है? तो यहाँ पे आधुनिक नारी का आज़ादी में क्या योगदान रहा है ये हमने अभी पढ़ा है। तो इस पैसेज में जो हमारे पास ये गद्यांश था इसको हमने पढ़ लिया। और अब हम पढ़ते हैं इन 10 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न संख्या 1, आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण लीजिए। रेखांकित शब्द में है, आप जो रेखांकित है जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है आप, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द है सर्वनाम। और अगर हम बात करें सर्वनाम की तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक भी तीन प्रकार के सर्वनाम है। पहला जो पुरुषवाचक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें उत्तम में बोलने वाला व्यक्ति स्वयं जो बात कहता है, इसमें मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि होते हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष, और हमारा ये जो आप है ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। इसमें तुम, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, आप, अपना, ये सारे हैं। तो यहाँ पे आप दिया गया है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक वह, वे, ये, इसे, उन्हें, इन्हें आदि, जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप है वो सर्वनाम है। और अब चलते हैं बात कर लेते हैं अगले दूसरे नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर दो, निर्गुण भाव से देशभक्ति ही उनका सर्वोपरि उद्देश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सी समास है? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो निर्गुण दे रखा है ये अंडरलाइन वर्ड है, इसमें समास कौन सा है? तो हम बात करें निर्गुण समास की, तो इसमें जो हमारा है अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास, और इसमें गुण रहित, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो ये आता है गुण रहित निर्गुण, जो गुण रहित अव्ययभाव समास है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 3। तीसरे प्रश्न में आपसे, वह गांव की हो या छोटे कस्बों की हो, शहर की अथवा महानगर की, चाहे वह पढ़ी लिखी हो चाहे, रेखांकित शब्द में कौन सी समास है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द दे रखा है महानगर। महानगर में कौन सा समास है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो महानगर है इसका विग्रह। तो इसका विग्रह करें तो महान है जो नगर, महान है जो नगर। तो इसमें हमारे पास कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही है, कर्मधारय समास। महानगर में महान है जो नगर। और ये जो पूरा पूरा वाक्य लिए गए है ये हमारे पद्यांश में से लिए गए है। और पद्यांश में कुछ कलरफुल शब्द है, जो रंगीन शब्द है उनमें से महानगर आप देख सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या 4, गद्यांश में दिए गए साहस शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द साहस है उसमें संज्ञा कौन सी है। साहस शब्द की अगर हम बात करें तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, ये सभी उसके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि साहस शब्द में
व्यक्ति के गुण है, साहस एक गुण होता है और ये भाववाचक संज्ञा है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। हमारे पास प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 में गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं --- में कौन सा कारक है। तो ये आप अपने गद्यांश में दिया गया है, गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं --, इसमें कौन सा कारक है, आपसे पूछा है कारक। तो यहां पर दिया गया है पर, गांधी जी के आह्वान पर। तो यहाँ पे हमारा जो कारक है वो अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक में या पर, और इसका अगर कहे तो ऊपर भी होता है कि गांधी जी के एक आह्वान पर, तो अधिकरण कारक है इस वाक्य में। इस वाक्य में अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर 6 सही है। चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास प्रश्न संख्या है 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 में गद्यांश में प्रयुक्त समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय मिलकर के सामाजिक शब्द बना है। तो आपके गद्यांश में दिया गया है समाज, और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ने से सामाजिक बनता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर सही है ए, इक। समाज समाज के साथ इक प्रत्यय जुड़ने से सामाजिक बनता है। सामाजिक उत्तर ऐसे ही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। प्रश्न संख्या 7 में गद्यांश में दिए गए शब्द नारी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको गलत कर देता है, क्योंकि जब आप इस प्रश्न को पढ़ोगे कि गद्यांश में दिए गए नारी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से, इतना ही पढ़ेंगे और आप इनमें से किसी एक जो आपका बिल्कुल अच्छी तरह जाना पहचाना शब्द है उसको टिक करके आप ओमआर शीट भर दोगे, लेकिन आपको लास्ट तक पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। तो यहाँ पे पूछा है नारी का जो पर्यायवाची नहीं है, और ये द नहीं है, तरणी। ये जो तरणी है ये नाव का पर्यायवाची है, ये नाव का है। अबला, वामा, भामिनी, ये सभी नारी के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन द, तरणी नारी का पर्यायवाची नहीं है, ये नाव का है, बाकी तीनों नारी के पर्यायवाची है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में गद्यांश में प्रयुक्त नारी शब्द प्रत्येक का बहुवचन होगा, ये नहीं है। यहाँ पे आपसे इतना ही पूछा गया है कि गद्यांश में प्रयुक्त नारी शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे ऑप्शन ब सही है इसका। नारी शब्द का जो बहुवचन है वो नारियां है, लेकिन इसमें कि अगर शब्द के अंत में छोटी या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी ई हो, तो आने पर उन ई को हटा देते हैं, उन ई को हटा देते हैं और उसकी जगह हम छोटी ई की मात्रा कर देते हैं। क्या करना है हमें, दोनों ई में से आए तो दोनों ई को ही हटाना है, लेकिन छोटी ई की मात्रा करना है, और छोटी ई की मात्रा करने के बाद में उसके लास्ट में यां जोड़ना है, लास्ट में उसके यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो शब्द है ये नारी, और इसमें यहाँ पे दिया गया है बड़ी ई, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी ई को हटा करके छोटी ई करेंगे, रे पर छोटी ई की मात्रा करेंगे और आगे जोड़ेंगे यहाँ। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में।
और ऑप्शन द भी दे रखा है आपको चकराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नारी में बड़ी की मात्रा है और आगे यहाँ जोड़ दिया। लेकिन जब भी इस प्रकार से किसी शब्द के लास्ट में दोनों में से छोटी बड़ी कोई भी ई हो, तो जब बहुवचन बढ़ाओगे तो उस ई को छोटी करोगे, फिर उसका बहुवचन बनेगा। तो ऑप्शन ब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9, शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। अगर हम बात करें कि वाक्य में कौन सा काल है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई, तो ये हमारा है उत्तर। तो इसमें ये जो उत्तर है, उत्तर नंबर ब, सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर इस काल की पहचान करने के लिए थोड़ा बहुत अंतर आपको देखना होगा, और ये जो अंतर आपको दिया गया है, यहाँ पे अगर ये गई और इसके आगे अगर है दिया गई है, तब तो आपका ये बन जाता पूर्ण वर्तमान काल बन जाता, और ऑप्शन ए आपका सही हो सकता था, क्योंकि अगर गई के आगे है लिखा होता तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता, और इसको अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। और अगर इसमें आपके पास यहाँ पे गई और गई के आगे थी होता, गई के आगे थी होता, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल होता, ये पूर्ण भूतकाल होता, गई थी। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे जो शब्द दिए है केवल गई, और जब केवल गई शब्द दिए है तो ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य से भूतकाल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब उसके आगे है हो जाए तो ये वर्तमान काल बन जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अगर थी होता तो पूर्ण भूतकाल बन जाता, लेकिन अब गई शब्द दिया तो ये सामान्य से भूतकाल है। आपको इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जरूर देखना है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन ब है, सामान्य भूतकाल। शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई, एक सामान्य सी बात है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जरूर लाइक शेयर करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपके गद्यांश में दिया गया है हिमालय की अडंग पहरी की तरह, इस प्रकार से आप देख लें। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर पद्यांश गद्यांश ना हो तो भी आपको क्या करना है, हिमालय की संधि विच्छेद देखना है, और सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है ऑप्शन ब, हिम प्लस आलय। और अगर हम बात कर लेते हैं, ये ए और प्लस में आ, ए प्लस आ बना है, और ए प्लस आ बन करके आ बन गया, ए प्लस आ बन करके आ बन गया, और ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है। हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तब तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। और अगर हिमालय का आपसे संधि विच्छेद पूछे तो हिम प्लस आलय, और हिम प्लस आलय का संधि शब्द तो हिमालय हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय में संज्ञा कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक पहाड़ का नाम है हिमालय, न कि केवल पहाड़। अगर केवल पहाड़ होता तब तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन यहाँ पे हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। तो इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए भी धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद।